रोजाना ऐसे बहुत से लोगों से स्वामी जी मुलाकात होती है जो योगाभ्यास करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने योगाभ्यास शुरू भी किया लेकिन फिर किसी दिन थोड़ा मोटिवेशन में कमी आई और धीरे धीरे चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये जो मोटिवेशन में कमी आ जाती है इसे कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए जरा मोटिवेशन का सबसे अच्छा सलीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। क्या है बच्चों बोलो? सेल्फ डिसिप्लिन। क्या बोलो? सेल्फ इंस्पिरेशन। बोलो सेल्फ कंपटीशन। अच्छा बताओ, मेरा योग में कोई कॉम्पिटिटर है? जब कोई भी नहीं है तो मैं किस में जीता हूं? सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं स्वामी जी आपके इंस्पिरेशन कौन है। वैसे एक तो मेरे इंस्पिरेशन महर्षि दयानंद सरस्वती है, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, उनका शास्त्र है, उनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के, जो उन्होंने हमें विचार दिए। लेकिन हमें ऐसा जीना है सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ डिसिप्लिन में। आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुशासन, आत्म संयम की राह ऐसी है हमारी जिसमें हमारे हौसले कभी टूटते ही नहीं। पिछले 50 सालों से बेटियों, कब से पिछले, एक दिन भी मैंने योग छोड़ा? अरे इधर मैंने तो छोड़ा बोला, इधर तो जो है जोड़ा बहुत जोरदार है पैर योगा का। भाई एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, आज इन बेटियों का योग देखते ही बन रहा है। हाँ तो देखो, ये सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है हुसैन भाई, जो आपने पूछा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, और जिसने सेल्फ मोटिवेशन का गुर सीख लिया उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नामुमकिन नहीं रह जाता। अच्छा स्वामी जी देखिए, बदलते वक्त के साथ रिश्तों में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हावी होने लगती है। अब रिश्तों को अगर बचाना है तो इन सारी चीज़ों से बचना होगा, अब इसके लिए भी कुछ बता दीजिए आप। देखो, रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी कड़ी है भरोसा, विश्वास, एक दूसरे के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एक दूसरे के प्रति एकात्मता। अब लोग कहते हैं जी क्या करें जी, लोग धोखा बहुत देते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोग धोखा भी देते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन मैंने आज तक 99% विश्वास के बल पर ये अपने जीवन की यात्रा पूरी की है। और मैंने जीवन में कोई भी बड़ा धोखा नहीं खाया, क्योंकि मैंने विश्वास को ही अपने जीवन का आधार बनाया। मैंने सब पर विश्वास किया, मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी पर विश्वास किया, मैंने पूरे देश पर विश्वास किया, और मैंने करोड़ों लोगों के ऊपर विश्वास किया पूरी दुनिया में। मैंने इंडिया टीवी पर विश्वास किया। अब मैं एक दिन इंडिया टीवी पर योग सिखाऊं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन किसी दूसरे चैनल पर ऐसे उछल कूद करता रहूं बंदर की तरह, तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो मैंने विश्वास किया इंडिया टीवी पर, मैंने विश्वास किया रजत शर्मा जी, रितु शर्मा जी, अनीता जी, पूरी आपकी टीम पर। तो देखो, विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। जो अविश्वास में जीते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना, माता पिता पर, अपने गुरुजनों पर, अपने मित्रों पर, और जब शादी हो जाए तो अपने लाइफ पार्टनर पर विश्वास करना, और मेरी तरह से सन्यासी हो तो भगवान पर विश्वास करना। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी कहा करते थे, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बिताने ही माया है, कहां तू था कहां वो था, कभी तो सोच है बंदे, झुका कर शीश को कह दे प्रभो वंदे, कभी प्रभो वंदे। देखो ये तो, ये दरअसल होता क्या है, आदमी ना ऐसे ही पागल के पलपन के गीत गाता रहता है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है
आज कल किताबों में रिश्ते झूठे हैं, बात का झमेला है। ये जो उदासीनता के गीत गाते रहते हैं ना, उनको जीवन में, चलिए अब एक गाना याद आ गया आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आपने भी पता नहीं सुना या नहीं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। लेकिन जो हमारा ये कार्यक्रम देखेंगे ना, उनके सारे गम अपने आप धीरे धीरे करके कटते चले जाएंगे। इसमें भी विश्वास का ही खेल है ना, आप योग पर विश्वास करेंगे तो चमत्कार आपके शरीर में होंगे, बीमारियों से आप बचे रहेंगे।